आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। टेलीकॉम पेंशनर्स प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन की पहली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जबलपुर में संपन्न हुई। BSNL कर्मचारियों पेंशनर्स के अनेक मुद्दों, विभाग की आर्थिक स्थिति, आय व्यय, टेलीकॉम सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं सहित अनेक विषयों पर विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों और शहरों से प्रतिनिधित्व करने ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम के अतिथियों में सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि, विधायक अशोक रोहाणी, डॉक्टर पवन स्थापक, साथ ही NL जबलपुर के महाप्रबंधक राजेश सोनी, TTC महाप्रबंधक मनीष शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। PPO का ऑल इंडिया अधिवेशन हो रहा है, लगभग पूर्णता की ओर है। एक पेंशनर का एक एसोसिएशन यहां पहले से खड़ा हुआ था, लेकिन जो जन समस्याएं थी उन समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में देखते हुए कि जो हमको बिलोंग करते थे वास्तविक रूप से, उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने एक संगठन का निर्माण कर और जो पहले से ही संगठन था उस संगठन में हम सदस्यता ली और आज ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हम अपने जबलपुर में करवा रहे हैं। जो भी अब लोकल स्तर की लोकल बॉडी भी बनाया है, प्रादेशिक बॉडी भी बनाया है, ऑल इंडिया बॉडी भी बनाया है। अब हमारे यहाँ लोकल स्तर की जो भी समस्याएं होंगी, डिस्पेंसरी की, खासकर CGHS की बड़ी बड़ी लोगों को सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं, वहाँ तानाशाह लोग टाइप के लोग बैठे हुए हैं जो लोगों को इतनी लंबी लाइन लगवा देते हैं, जिससे हमारे वृद्ध लोग वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे और बैठे रहते हैं धूप में, धूप प्यास सहते हुए बैठे रहते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में चाहे वो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के लोग आए हुए हैं और ये कॉन्फ्रेंस से जो हमें अब सुविधाएं मिलेगी और हम अपने पेंशनरों को देंगे और उनका लाभ प्राप्त होगा। पंडित आदमी अवस्थी और मैं भी उसी में AGS के रूप में मेरा भी चयन किया गया है, मैं भी उस पद को धारण करूँगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।